हे व्हाट्स अप, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी मोबाइल टेंसेंट एम्यूलेटर से कैसे खेल सकते हो, आप टेंसेंट एम्यूलेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो बने रहो वीडियो पे एंड एंड तक देखो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब सेटिंग एंड क्या बोलते हैं इसको सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले आप गूगल में चले जाओ, जस्ट टाइप टेंसेंट एम्यूलेटर, गेमिंग बडी टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टेंसेंट एम्यूलेटर क्लिक करोगे, पहला वेबसाइट जो आएगा गूगल का पहला वेबसाइट आप नोटिस कर लेना, ये वाला ही रहेगा https://sys.wq.com। इसको क्लिक करना है आपको। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, ये जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है ना, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। इफ़ एग्जिस्टिंग फाइल इज़ कम्प्लीटेड शो डाउनलोड कम्प्लीट डायलॉग, ये IDM का है, डुप्लीकेट डाउनलोड लिंक है क्योंकि। सो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, जो फाइल आपका अगर IDM नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे पे, इसको क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इंस्टॉल करने के बाद आपका एक तो ये एंड दूसरा टेंसेंट कहाँ गए, ये दो चीज़ आपका इंस्टॉल होगा डेस्कटॉप में, आपको सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। यू जस्ट हैव टू क्लिक इट, आपको क्लिक करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका गेम भी इंस्टॉल कर देगा, ये आपका गेम भी इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डाउनलोड हो रहा है। यू हैव टू हैव अ गुड इंटरनेट टू प्ले टेंसेंट एम्यूलेटर, टू प्ले पबजी मोबाइल इन टेंसेंट एम्यूलेटर। मैं एकदम सीधा बोल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लैग करेगा। एंड यहाँ पे आप प्ले अगर करते हो, इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप F11 करके गेम ना खेलें। F11 करके गेम अगर खेलोगे तो आपको होगी थोड़ी सी तकलीफ, वो है क्या, ग्राफिक्स की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आपको नज़र आएगी, मतलब थोड़ा सा हेजी टाइप का ये आपको क्या बोलते हैं व्यू आएगा, व्यू जो रहता है ना वो थोड़ा हेजी टाइप का आएगा, जिसके वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप F11 90 पे नहीं प्रेस करें, सिर्फ इसको मैक्सिमाइज क्लिक करें। एंड ये जो विंडो आ रहा है ना, यू कैन से इट कि यहाँ पे टेंसेंट गेमिंग बड़ी यहाँ पे सब लिखा हुआ आ रहा है, ये सब रहने दो एंड इसमें खेलो। मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ, गेम स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी गेम इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं पूरा स्क्रिप्ट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया वैसे अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नोटिस आएगा, एम्यूलेटर डिटेक्टेड, तो यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद ये सब हटाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन उतना फट नहीं रहा, लेकिन मैं जब F11 करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा जो कैरेक्टर का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मेरे को नज़र आता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस ये जो विंडो है इसमें खेले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेटिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैं क्या सेटिंग में खेलता हूँ। सेंसिटिविटी आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा सेंसिटिविटी है, जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पॉज कर सकते हो। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी है, मेरे को किसी में भी तकलीफ नहीं होती। 8 times, 4 times, 3 times जो मेरे स्ट्रीम देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा एम भी उतना ख़राब नहीं है, नॉर्मली मेरा एम भी अच्छा रहता है, हेडशॉट मैक्सिमम लगता है। सो मेरा सेटिंग आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो करना है। मैं पिकअप ऑटो करके रखा हूँ, जो मेरे को फिर बाद में नहीं लेना रहता, मैं उसको हटा देता हूँ। क्विक चैट में आप मूवमेंट, आप ये सब तो जानते होंगे कि क्योंकि पबजी मोबाइल में भी करते हैं। बेसिक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पीक एंड फायर को एनेबल करना एंड पीक ऑप्शन को होल्ड टू लीन करना, क्योंकि आप अगर क्यू एंड ई को होल्ड करके रखोगे, क्यू को अगर होल्ड करोगे तो लेफ्ट तरफ लीन करेगा एंड ई को अगर होल्ड करोगे तो राइट तरफ लीन करेगा। सो यहाँ पे होल्ड टू लीन एंड यहाँ पे ये जो कैमरा व्यू है इसको अगर आप 103 करोगे तो सबसे बेस्ट व्यू आपको मिलेगा। ये स्क्रीन स्केल रहता है, ठीक है, इसमें आपको पूरा बेस्ट व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ, मैं येलो वाइट क्रॉस हेयर पसंद करता हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स मेरी जो है, मैं हाई में खेलता हूँ, मेरा तब कोई लैग नहीं होता है।
यहाँ पे एंटी एलियसिंग अगर एनेबल करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, उसको एनेबल करके रखो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो साइड की जो बिल्डिंग्स रहती है ना वो हेजी हेजी आपको नहीं दिखेगी। एंटी एलियसिंग को ऑन रखना, एनेबल रखना। ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स ऑटोमेटिकली लोअर सेटिंग इफ FPS फ्लक्चुएट्स टू मच। तो यहाँ पे मैं एनेबल करके रखा हूँ क्योंकि ये वाला ऑटो एडजस्ट तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं HDR तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं HD रिकमेंड करता हूँ विथ एंटी एलियसिंग। सो आई होप आपको ये कंट्रोल्स वगैरह सब कंट्रोल्स, तो मैं जो है भाई नॉर्मल वही, कोई चेंजेस नहीं है, जो नॉर्मल है वही उसी में मैं खेल रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ एम्युलेटर, डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली मैं लिंक नहीं दे सकता हूँ, तो आप टेंसेंट एम्युलेटर डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, गूगल में टाइप करके डाउनलोड कर लो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, एंड हो सके तो चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो भाई आपके ऊपर है। सो टाटा एंड हैव अ गुड डे।